हम हमेशा आपको दिखाते हैं पॉलिटिकल ट्रैकर, यानी जिसकी आपने घंटी बजाई उसकी घंटी बजी क्या। आज देखिए पिछले हफ्ते यूपी में बिजली के मुद्दे पर बजाई गई आपकी घंटी ने कैसे खंभे गाड़ दिए हैं। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। और यह अंजाम आपके घंटी बजाने का। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से 80 किलोमीटर दूर कतानिया घाट जंगल के किनारे बसा सेमरी मलमला गांव। इस गांव में जगह जगह ये खंभे लगाए जा रहे हैं ताकि गांव के घरों तक बिजली पहुंच सके। काम इतनी तेजी से हो रहा है कि कई सारे खंभे गांव में लग भी चुके हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने घंटी बजाई। आपने ऐसी जोरदार घंटी बजाई कि प्रशासन हिल गया। नींद में सो रहे योगी सरकार के मंत्री और अधिकारी जाग उठे। हमारे इस रिपोर्ट के बाद अब यूपी का वो अंधेरा गांव देश के बाकी हिस्सों की तरह रोशनी में जगमगा उठेगा। सालों बाद बिजली आने वाली है, ये जानकर गाँव की महिलाएं किस कदर खुश है ये भी आप देख लीजिए। एबीपी न्यूज ने क्या दिखाया था वो फिर आपको याद दिलाते हैं। इसे बेबसी कहें, बदकिस्मती कहें या सरकारों की बदनीयति, आज तक आजादी के इतने सालों के बाद भी जिस गांव में हमारी मौजूदगी है वहां की जिंदगी अगर रात को रोशन होती है तो सिर्फ इस ढिबरी की वजह से जो कैरोसिन से जलती है। हम लोग लाइट के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। कहते हैं कि मेरा सरकार बेटियां पढ़ाओ बेटियां जियाओ, ठीक मैं और बेटियां का कोई सुविधा नहीं है। ये उसी रिपोर्ट का हिस्सा है जो 11 अक्टूबर को घंटी बजाओ देश को हमने दिखाई। संवाददाता चित्रा त्रिपाठी वीडियो जर्नलिस्ट अजी चाको के साथ लंबा सफर तय करके पहुंची थी बहराइच जिले के इस सेमरी मलमला गांव। बताया था कि कैसे इलाके के बीजेपी विधायक अक्षयवर लाल गौड़ के घर में तो बिजली पहुंच रही थी, पंखे हवा दे रहे थे, पर विधायक जी के घर से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर 4 से 5 हजार की आबादी वाले इस गांव के घर अंधेरे में डूबे हुए थे क्योंकि बिजली आज तक यहां पहुंचाई ही नहीं गई। लोगों ने यह दर्द संवाददाता चित्रा त्रिपाठी को बयां किया। विधायक जी की दलील भी हमने सुनवाई थी और इस गाँव के लिए उठाई थी आवाज। मेरी इसी रिपोर्ट पर आपने जबरदस्त घंटी बजाई। आपकी इसी घंटी का नतीजा रहा कि अब यूपी के बहराइच जिले का सेमरी मलमला का ये गांव रोशनी में जी उठेगा। और जैसे ही ये खबर गांव वालों तक पहुंची थी उसके बाद से ही लेकर अब तक गांव के लोग एबीपी न्यूज को उनकी जिंदगी में रोशनी लाने के लिए शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे। और हम सभी लोग बहुत खुश हैं, हमारे बेटे बच्चियां सब बिजली के बल्ब की रोशनी में पढ़ेंगे। एबीपी न्यूज का ही दम है जो हम लोग आगे निकल चुके हैं। हमारे यहाँ पोल लग रहा है और यहाँ जांची चल रही है। हम लोग दीदी बहुत खुश हैं कि हमारे यहाँ बिजली आ जाएगी। जब यहाँ मैडम साहब आई थी तब से यहाँ मतलब वो कहीं बताई और उसी दिन से काम शुरू हो गया। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं घंटी बजाओ, क्योंकि आपके घंटी बजाने की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचती है जिसके बाद वो आपके हक में फैसला लेने के लिए मजबूर होती है। आपकी घंटी का ही ये नतीजा होता है कि सरकार आपके हक में फैसला देने के लिए मजबूर होती है जिससे आता है इस देश में बदलाव। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।